वालेकुम एंड अ गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। और जागो लाहौर में हमारा मकसद यही कि आपको झिंझोड़ के जगा दें और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जगाएं ताकि आप दिन का आगाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज की हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसके साथ साथ सेहत रिलेटेड इशू जो है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, आपकी सेहत से रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे उनको तो हम एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम आपको बताते चले कि कुछ लोग अच्छे ख्वाब देखते हैं, कुछ बड़े ख्वाब देखते हैं और कुछ बहुत डरावने ख्वाब भी देखते हैं। अच्छा, डरावने ख्वाब आना ना, ये आपका चूंकि ख्वाबों पर इख्तियार तो होता नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं और बहुत सारे लोगों को ख्वाब नहीं भी आते, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि जनाब, आप ख्वाबों के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि रात को मैंने डरावना ख्वाब देखा और पता नहीं क्या वजह थी कि मुझे इतने डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बेसिकली बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई ना कोई ऐसी परेशानी या कोई ना कोई ऐसा डिप्रेशन होता है जो आप रात को सोने से पहले सोचते हैं और वो ख्वाबों की शक्ल में आपको आता है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है जनाब। अगर तो आप मुसलसल किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार है तो नतीजा डरावने ख्वाबों की सूरत में भी आ सकता है। जनाब, आपके जो मेंटल स्ट्रेस है या कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ जो आपको पेन कर रही है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एट द एंड क्या रिजल्ट आता है कि वो प्रोलॉन्ग करती हैं और आप किसी न किसी तरह वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। जो अफराद डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या स्ट्रेस का शिकार रहते हैं उन्हें हफ्ते में कम अज़ कम एक बार डरावना ख्वाब ज़रूर आता है। जबकि पुरसकून नींद सोने वालों में से सिर्फ 1% जो अफराद हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने डरावने ख्वाबों की शिकायत की है, कि उन्हें वंस इन अ ब्लू मून कभी इस तरह से आता है। अगर बहुत ज़्यादा तनाव जो हो जाए तो ये भी डिप्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तो ये एक बीमारी की शक्ल होती है और जिससे मुख्तलिफ अमराज, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्ट्रेस भी बजाते खुद आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेकर जाते हैं। इन बीमारियों की बात की जाए तो आपको सर का दर्द मुसलसल रहना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो लिहाजा जो आपके स्ट्रेस होते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें, उनको किस तरह से दूर किया जाए, ख़त्म किया जाए, इनको अवॉइड कैसे किया जाए, कुछ आसान सी टिप्स, आसान तो नहीं होती नो डाउट, जो स्ट्रेस या डिप्रेशन में से गुजर रहा होता है हमें नहीं पता कि अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ से लड़ रहा है। लेकिन एट द एंड हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी ऐसी गाइडलाइंस आपको दी जाए। जनाब, सबसे पहले कि आप किथासस करें, किसी ना किसी से ज़रूर कोई एक बंदा होना चाहिए, चाहे वो घर में है, चाहे वो फ्रेंड्स में है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम, अपना स्ट्रेस, अपनी परेशानी डिस्कस कर सकें। कैथारसिस एक वो अमल होता है जिसमें आप अपना, वो जो कहते हैं ना, भड़ास निकालते हैं किसी के सामने, तो ये आपने ज़रूर करना है। आप नमाज का अहतमाम ज़रूर करें, नो डाउट जो अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन होता है वो भी बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि आप जो इंटरनल पीस आप कहते हैं ना, वो फील करते हैं जो आपको नमाज या किसी भी इबादत की सूरत में मिलता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसके अलावा आपने लाफ्टर थेरेपीज़ का सुना होगा, वो भी एक होता है कि आप खुद भी हंसें, थेरेपी तो नहीं कह सकते लेकिन खुश रहने की कोशिश करें और दूसरों के साथ भी थोड़ा अपने आप को, ये बहुत मुश्किल काम है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन नो डाउट कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा आपके सर दर्द की मुसलसल शिकायत रहती है, जिन लोगों को डिप्रेशन इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और जो कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें सर का दर्द क्यों, और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें सर में दर्द क्यों हो रहा है, तो ये दोनों बड़ी अजीब सी सिचुएशंस होती हैं। तो लिहाजा आप इसी सर दर्द की वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से भी सर दर्द होता है, लेकिन तमाम सिचुएशन में एक मैंने आपको बताया कि थारसिस ज़रूर करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी ढूंढें चीज़ों में से, और उसके साथ साथ अपनी डाइट, और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। सर के दर्द या जो भी डिप्रेशन एंजाइटी, आपकी डाइट का भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है आपके स्ट्रेस से, आपकी परेशानी से, तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी डाइट का मतलब है हेल्दी डाइट, ये नहीं कि आप टका के मुरगन गजाएँ खा रहे हैं, आपने हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने जो है दिन की रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आपका सर का दर्द भी जो है, वो पानी बहुत ज़्यादा पिए, स्ट्रेस पानी से भी दूर होता है, आइसक्रीम खाने से भी टेंशन दूर होती है। ये मैं आपको बहुत अच्छी रिसर्च मैंने एक बार बहुत अरसा पहले पढ़ी थी कि जिन लोगों को परेशानी या ऐसे स्ट्रेस होता है तो वो आइसक्रीम खाएं, उससे उनकी टेंशन थोड़ी कम होती है, रिलीफ होता है। तो जनाब, आप योगा, एक्सरसाइज, ये तो मेजर आपका एलिमेंट होना चाहिए। योगा जितना इफेक्टिव है, मैंने खुद भी 1 वीक इसको ट्राई किया है, एंड आई नो कि कितना इफेक्टिव हो जाता है ये चीज़ें। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक, ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप अपने स्ट्रेस और परेशानी को दूर, फॉर द टाइम बीइंग आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके प्रेशर को। तो लिहाजा आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो आप सबने सुना हुआ है कि रोज़ाना एक सेब खाएं और डॉक्टर को दूर भगाएं। डॉक्टर हजरात नाराज़ होते हैं लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि आप सेब खाएं। अच्छा जनाब, सेब जो इसके अंदर मौजूद विटामिन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा
आपकी अली हेल्दी होते हैं और फॉर एवर जिसको आप कहते हैं कि आप ग्लोइंग भी रह सकते हैं सेब खाने से, आपका जो आप कह लें एक एज होती है ना जिसमें आप कहते हैं बड़ा चाको जवाबन से रहते हैं इंसान, आप उसको फिर लाइफ टाइम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं अगर आप रोज़ाना एक सेब का इस्तेमाल कर लें। रोज़ाना तो कर लें, अगर दो भी खा लें इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन सेब का इस्तेमाल रोज़ाना होना चाहिए। जनाब स्ट्रॉबेरी की बात की जाए, सेब और स्ट्रॉबेरी में ये केमिकल मौजूद होता है जो आपकी एज को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, यानी एज का जो असार होते हैं बुढ़ापे के असार जो हम कहते हैं उसको बहुत मावन साबित होता है। फिस्टाइन केमिकल है और इसको अगर तजर्बा किया जाए, क्योंकि अमूमन जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो चूहों के ऊपर करते हैं, तो लिहाजा किया गया और इससे ये रिजल्ट सामने आया कि उनकी भी एज जो है जो एज के आसार हैं वो कम दिखाई दिए। लिहाजा दिन के किसी भी हिस्से में रोज़ाना एक सेब और चंद स्ट्रॉबेरीज या कुछ इस तरह की आप चीज़ें खा लें तो आपकी सेहत भी बरकरार रहती है और सबसे बढ़ करके आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसके आसार भी कम हो जाते हैं। तो लिहाजा इम्यून सिस्टम बेहतर करना है, अपने बुढ़ापे के आसार कम करने हैं, तो सेब, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारी चीज़ें जो आप खाएंगे तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए भी, और स्किन पे ज़्यादा आते हैं बुढ़ापे के सार। बाकी तो आपके दर्दें वर्दें जो अम्मा अब्बा शिकायत करते हैं कि जी बुढ़ापा आ गया, वो तो बहुत लेट जाके आता है, लेकिन स्किन सबसे ज़्यादा जल्दी आपका एक्सपोज होती है। तो लिहाजा ये आपके लिए चंद टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी है, और ये मैंने बिल्कुल नहीं बताई, ये मैंने रिसर्च के थ्रू बताई है। अमूमन लड़कियां जो होती हैं ना स्पेशली, अब हमने किसी फंक्शन पे जाना हो, किसी शादी पे जाना हो, तो हम कहते हैं नेल्स लंबे पहले करना शुरू कर देती, लेकिन एंड पे आता ना जब फंक्शन वाला दिन, तो नेल्स टूट जाते हैं सारे। तो नेल्स क्यों टूटते हैं, नेल्स के मसाइल क्या होते हैं, वीक क्यों होते हैं, आपकी डाइट का इससे कितना गहरा ताल्लुक है, ओवरऑल स्किन के मसाइल, बालों के मसाइल, ये सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद बासित कपूर जो कि स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम बात करें, हम नाखनों के आगाज करते हैं। नॉर्मली लोगों के नेल्स बहुत वीक होते हैं, नेल्स के क्या कौन कौन से मसाइल हैं जो नॉर्मली ऑब्जर्व किए जाते हैं? आजकल क्लिनिक पे ज़्यादातर मेरे पास नेल के हवाले से फीमेल्स आती हैं और वो इस कंसर्न से हमेशा आती हैं कि भाई मेरी नेल जो है वो, उनका डॉक्टर साहब ये रंग जो है थोड़ा चेंज होने लग गया और मुझे इसमें अब पेन रहने लग गई है। सही। तो सबसे इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे हम जब खाना खाते हैं, हम खाना खाने के बाद जो है वो टेबल पर बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी जो माएँ बहनें होती हैं वो जाके किचन में बर्तन साफ़ करती हैं, उसके बाद उन्होंने कपड़े धोने होते हैं, तो जो केमिकल होता है जैसे ही वो नाखनों को टच करता है या वो आपके हाथों की स्किन को टच करता है, वहाँ से आपकी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फौरन नहीं होता, ओवर द इयर्स आपके नाखनों में आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून थोड़े कमजोर हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत मेजर मसला, बहुत मेजर मसला, और इसमें इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो पेशेंट आते हैं और वो जाहिर है वो कंसर्न होते हैं, उनको वो आके बताती हैं कि जब मैं अदरक काटती हूँ, प्याज काटती हूँ, तो उसके सर मुझे ये जो है वो मिर्च की तरह ये लगता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई इरिटेटिंग चीज़ आपके नाखून पे ना लगे। आप जब भी कोई केमिकल या कोई भी इरिटेटिंग चीज़ आपके नाखून पे लगेगी, आपके या सर पे लगाएंगे, आप चेहरे पे लगाएंगे, हमेशा स्किन रिएक्ट करेगी, और यही मामला नाखूनों के साथ है। थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि नाखून की जो ब्लड सप्लाई है वो बाकी जिस्म की नस्बत थोड़ी कम होती है, इसलिए हमने नाखूनों का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना है। आप नाखूनों को छुपा तो नहीं सकते, आपके हाथ तो नजर आएंगे, साथ आपके नेल्स भी नजर आएंगे, तो नेल्स को मॉइस्चराइज रखें। जैसे आजकल के जो दिन हैं इसमें मौसम अब चेंज हो रहा है, हम गर्मियों से जा रहे हैं सर्दियों की तरफ और अब मौसम ड्राइनेस शुरू होने लगा है, इसमें आपके नेल्स ड्राई हो जाएंगे। और जैसे आप अपने इंट्रो में कह चुकी हैं फल की अहमियत, पानी की अहमियत, हम पानी पीना अभी कम कर देंगे। जो लोग 10 गिलास पानी अगस्त में पीते थे वो अब 3-4 गिलास पे आ गए, यानी ऑटोमेटिकली आपने अपने आप को आप ड्राइनेस की तरफ ले गए, नाखून भी आपके जिस्म का हिस्सा है, नाखून ने भी ड्राई होना शुरू हो जाना है, और उसके बाद फिर नाखून जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, और फिर उसकी जब ग्रोथ कम होती है फिर पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब नाखून बढ़ नहीं रहे, उस रफ्तार से बढ़ नहीं रहे, मेरी बहन के नाखून आप देखें जरा, वो कैसे, मेरे नाखून आप देखें, इस तरह की अक्सर आके कंप्लेन करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि फलों का इस्तेमाल करें, आप अपने अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स लें, मल्टीविटामिन्स लें और जिंक सप्लीमेंट्स लें, और अपने हाथों को आप बेशक मॉइस्चराइज कर लिया करें, आप घर के अंदर सादा जो जैतून का तेल होता है
आप जैतून का तेल लें, उसको लगा लिया करें, इस सर्दियों के मौसम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो लगा लिया नाखूनों का आपने, उस पर जैतून का तेल लगा लिया, ऑलिव ऑयल आराम से आपको किसी भी कहीं से भी मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का मिलता है, उसको आपने लगा लें, इसको मॉइस्चराइज रखें, इंशाल्लाह ताला आपके नेल खराब नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी आप कह रहे थे कि वीक होते हैं, ग्रोथ नहीं होती, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, सप्लीमेंट नेल्स के लिए नॉर्मली कौन से होते हैं, जिसमें कौन सी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो आपकी नेल्स की ग्रोथ और उनकी जो मजबूती है उसके लिए हो? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर देखें ना, नेल में आपको कोई मसला आ रहा है तो आपने सबसे पहले तो ये देखना कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जिसमें आपको स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प की जरूरत हो। अगर फर्ज को आपको नेल का कोई इन्फेक्शन है, आपको नेल का इन्फेक्शन है, आपको ये जो नेल फोल्ड्स होते हैं ये सूज जाते हैं, इसमें कोई इन्फेक्शन है, तो इसमें फिर सप्लीमेंट से पहले हमने इसका इलाज कराना है, क्योंकि आप फिर जितने मर्जी सप्लीमेंट लेते रहें नेल को फ़ायदा नहीं होगा। वैसे आम हमारे जो मेडिकल स्टोर पर बहुत अच्छे और बहुत इफेक्टिव जिंक के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल करें, जिंक इसकी बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ करता है, आप वो इस्तेमाल करें, वो आपके ना सिर्फ नाखूनों में, आपके स्किन में, आपके बालों में, आपको वो बड़ी हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ। कॉलर ले लो, हमारे साथ राजा अशरफ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, राजा अर्शद आज कर रहा हूँ। जी जी बताएं राजा अर्शद साहब। अच्छा ऐसा है डॉक्टर बाद साहब, से पूछना था कि ये जो मेरे पाँव के थम्स के नेल है ना, ये बैंड हो जाते हैं और ये बिल्कुल मतलब टॉप की तरफ बाहर की तरफ ना दबे दबे रहते हैं, तो काटने से बहुत शिद्दत मतलब होती है, तो इनका कोई ऐसा सोल्यूशन कोई मतलब कि ये नॉर्मली एंड टॉप जो फ्रंट वाले जो टॉप है ना वहाँ से ये नॉर्मली मतलब तंग ना करें इनका, कोई वहाँ पे उनकी ग्रोथ सीधी हो रही है या थोड़ी टेढ़ी ग्रोथ है? जी थोड़ी सी टेढ़ी ग्रोथ है ये, मतलब यूं कह लें आप, यूं कह लें उल्टा। ठीक है ठीक है, अभी आपको बता देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं दो तीन चीजों की तरफ इसमें जाता है, एक तो इनग्रोन टेनल और टोनल, कई दफा ऐसे होता है कि हमारे जो नाखून है ना ये, अब देखे नाखून सीधे ग्रो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि नाखूनों की ग्रोथ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, यानी नाखून ऐसे सीधे ग्रो नहीं करेंगे, थोड़े से ऐसे टेढ़े से ग्रो करते हैं। इन्होंने टोनेल की बात की, तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह, आप जो शूज़ पहने वो ऐसे खुले शूज़ हों, वो ऐसे शूज़ ना हों कि आप जब चलते हुए जा रहे हैं तो ये नाखून को बार बार माइक्रो ट्रामा होता जाए बार बार इस तरह जो पैर के ना इस तरह माइक्रो ट्रामा होगा तो वो उसकी उस पर इफ़ेक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसकी ये है, फिर आप अगर कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको बंद शूज़ पहन कर रखने हैं लंबे अरसे तक, थोड़ी देर के लिए जरा कहीं आप शूज उतार के जरा उसको हवा शवा लगाएं, मतलब कि इस चीज को भी आप बंद ना रखें, और जिस तरह मैंने वुजू की बात की, वुजू के बाद आप पैरों को अपने खुश कर लें, अपने हाथों को खुश कर लें, और ये कोई अच्छा सप्लीमेंट लें, और अगर ये प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर लें, मुझे भी व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज दें, मैं उनको प्रॉपर मेडिकल गाइड कर दूंगा। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से बात करनी है कि बेटी है मेरी 8 साल की, वो ना नाखून बहुत ज्यादा खाती है ना। अच्छा तो नाखून खराब है, कोई इन्फेक्शन हुआ है? नहीं नहीं, वैसे ही वो बैठे बैठे खाती बहुत ज्यादा है नाखूनों को, पाँव तक के नाखून खा लेती है। अच्छा ठीक है राहिला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे हमारी अम्मी तो यही करती थी, मिर्चे लगा देती थी। ये आसान तरीका होता है। अच्छा नेल बाइटिंग जो है ना ये इन्होंने कहा कि इससे बच्चों में नहीं है, ये बड़े लोग भी ऐसे, मैं अक्सर देखता हूँ पेशेंट्स आएंगे बैठेंगे ऐसे, उनकी आदत होती है नेल बाइटिंग की, ये अच्छी आदत नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब कि आपके नाखूनों को अल्लाह ताला ने तो कोई बीमारी नहीं दी, आप खुद ही अपने आप को जरा थोड़ा मौका दे रहे हैं कुछ ना कुछ हो मेरे नाखूनों के साथ। तो छोटे बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ, वो आते हैं तो उनके नाखूनों के इधर ना मौके निकले होते हैं, वॉट्स हम जिसको कहते हैं, वो होता ही है कि आप अपने आप को इस तरह नेल बाइट करते रहेंगे, यहाँ पे वो डैमेज होता रहेगा और फिर यहाँ पे मौके निकल आते हैं। तो और इसके अलावा जो ये नेल मैट्रिक्स होता है, बिला वजह ऐसे ही जो है ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो नेल बाइटिंग की हैबिट है, ये जिस तरह आपने मिर्ची वाली बात की, या आप अपने बच्चों को कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, ये तो देसी तरीका मैंने आपको बताया, कोई हम साइकिल ले देंगे एक
और इस तरह के खिलौने ले मैंने जब नेल बाइटिंग छोड़ी थी तो मुझे भी अम्मी ने बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिए थे और वो मिर्चों वाला बहुत देसी तरीका है जो नानियां दादियां अमूमन घरों पे इम्प्लीमेंट कर देती हैं, मिर्चें लगा देती हैं। तो ये वैसे नेल बाइटिंग की आदत बड़ों में भी है, ये सिर्फ बच्चों की हम बात नहीं कर रहे, बड़ों में भी है। और कुछ लोग जब नर्वस होते हैं आप उनको कोई ऐसी न्यूज सुना दें जो अच्छी न्यूज नहीं है ना, कोई टेंशन में वो करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ों में भी है, उनको भी देखना चाहिए कि बिना वजह इसको डैमेज ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, पांव और हाथों के नाखूनों में ग्रोथ में कुछ डिफरेंस होता है कि पांव के नाखून जरा देर से बड़े होते हैं? पांव के देखें, पांव पैर जो है वो पेरिफेरीज में होते हैं, अमूमन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पैर के नाखूनों की ग्रोथ इफेक्ट होती है। जिस तरह हमारे यहाँ सबसे कॉमन एक कंडीशन है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है कि आहिस्ता 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 आपके पैरों की तरफ जो खून की सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। सही। आपके पैर में हेयर की ग्रोथ वो कम हो जाएगी, आपके पैर में नाखूनों की ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज से मुझे याद आया, ये जो हमने ट्रॉमा की पहले बात की थी, शुगर के मरीज को इस ट्रॉमा से बहुत बचना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए बिल्कुल। और क्योंकि अगर ये ट्रॉमा जारी रहा और उसको उसने पेशेंट अगर नोटिस ना किया तो ये एक छोटी सी चीज है और ये बहुत बड़ी डेंजर की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए। नेल्स के हवाले से जनाब हमने आपको इतनी जबरदस्त बातें बता दी कि नाखूनों की हेल्थ कितनी जरूरी है, अगर हाथ खूबसूरत लगेंगे तो फिर ही आपके नेल्स भी अगर अच्छे होंगे तो हाथ प्यारे लगेंगे। तो जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।